आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपीज। यह है साबुदाना वड़ा और उसके साथ खाई जाने वाली चटनी। इसको आप इस बार व्रत में बनाकर एंजॉय करिए। ये बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडीसी रेसिपीज। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने एक कप साबुदाना लिया है। इसको इंग्लिश में टेपियोका पल या फिर सैगो भी कहते हैं। तो हम इसे डाल लेंगे बाउल में और एक दो बार इसे पानी से हम धो लेंगे। ये मैंने धो के ले लिया है इसे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा वाटर, ताकि इसको हम रख दें सोख होने के लिए। तो बस पानी इतना ही डालना है जितने में कि ये अच्छे से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी इस पर नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपचिपे हो जाते हैं। देखिए इतना ही पानी इसमें है। और इसको हम रख देंगे अलग से 2 घंटे के लिए भीगने के लिए। तो तब तक हम मूंगफली भून लेंगे। उसके लिए मैंने गैस ऑन करके ये कढ़ाई रख ली है और मैं डाल रही हूँ उसमें 1 कप पीनट, कच्ची मूँगफली है ये। इसको हम मीडियम हीट में लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इनका छिलका उतरने लगे, अच्छे से ये भून जाए। और भुनने के बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में कोर्स ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए इसको हम रख दे रही हूँ अलग और दरदरा पीस लेंगे। अब ये हम देख लेंगे आलूओं को। ये मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं और इसको बॉईल करके छिलका उतार के लिया है। अब करेंगे हम इसे मैश, बिल्कुल महीन हम इसे मैश कर लेंगे। फोक से ये बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो ये तैयार हो गए हैं, तो इसको भी रख देंगे अलग। और अब हम बना लेंगे साबुदाना वड़ा के लिए बहुत ही टेस्टी हरी चटनी, जिसको हम व्रत में खा सकते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 बंच हरा धनिया, आप देख सकते हैं डंठल के साथ ही मैंने लिया है, इसे धो लिया है मैंने। 1/2 नींबू, 2-3 हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है। और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है भुनी हुई मूँगफली का पाउडर। और 1/2 चम्मच सेंधा नमक, जो हम व्रत में खा सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने लिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर। अगर आप व्रत में इसे नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसको फटाफट से एक जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने धनिया को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट दे रही हूँ, ताकि ये जल्दी से अच्छे से पीस जाए। और सारी चीज़ें पीस पे एक एक करके डाल देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत लाजवाब बनती है। इसको आप व्रत में नहीं बल्कि कभी भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ, बड़ों के साथ, कबाब के साथ, ये सब के साथ बहुत अच्छी लगती है। इवन आप इसको दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई करें इस बार। तो ये 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। खट्टी मीठी चटनी अच्छी लगती है। बंद करके थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं। वाओ, चटनी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। बिल्कुल मैंने इस पर कलर नहीं डाला है, लेकिन देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और थोड़ा मैंने इस पर पानी डाल लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया पीसने से पहले। वो आप भी अपने हिसाब से डाल लें। आपको अगर और थोड़ा पतली रखनी है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें। तो अब मैं इसे कर लेती हूँ खाली एक बोल में। ये चटनी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको आप ज़रूर व्रत में ट्राई करें। देखिए टेस्टी टेस्टी और आसानी से बनने वाली चटनी तैयार है। तो अब हम चलते हैं अपने साबुदाना वड़े बनाने की तरफ। तो ये देखिए साबुदाना भीग चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये फूल चुका है, ना चिपचिपा है ना कम फूला है, बहुत अच्छे से ये फूल चुका है 2 घंटे के अंदर। हाथ से ऐसे मैश करके इसको ज़रूर देख लें। देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए ये, तभी इसके बड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब हम मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ साबुदाना बड़ा। अब हम साबुदाना डाल रही हूँ मैं इसमें साबुदाना बड़ा बनाने के लिए। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैश किए हुए हमने आलू रखे थे वो भी डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, ये मैंने पहले से काट के रख ली थी। आप अपने हिसाब से मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी इसमें डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पत्ती, ये मैंने धोकर काट के रखी हुई थी। और ये जो मूंगफली हमने अभी अभी भुनी थी ना, उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, कोर्स ग्राइंड किया है। देखिए आप देख सकते हैं कुछ इसमें बड़े पीसेस हैं और कुछ बिल्कुल पतले। तो उसमें से मैं 1/2 कप इसमें डाल रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है नमक, ये सेंधा नमक डाला है।
व्रत के लिए जो होता है, आधा चम्मच में डाल रही हूँ उसमें अजवाइन। अगर आप फास्ट में अजवाइन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दें। एक छोटा चम्मच में डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर यानी रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा इसको फोक से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन हमें इसको हाथ से मिक्स करना ही पड़ेगा, तभी अच्छे से पूरा मिक्स होगा। ये जो वड़े बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर इस बार महाशिवरात्रि के व्रत में ट्राई करिए, और किसी भी व्रत में हम इसे खा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा ये चिपचिपा हो रहा है, ऐसा होना ही चाहिए इसको, क्योंकि बड़े जो हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से मैश हो गया इसमें। तो देखिए डो हमारा तैयार है, अब हम चलते हैं साबूदाना वड़ा बनाने की तरफ। थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लें आप किसी तेल या घी से, और जो हमने डो तैयार किया है उसमें से एक पोर्शन आप लेकर थोड़ा सा हाथ में पहले से राउंड राउंड करना है, और उसके बाद गोला बनाने का जिसे हम फ्लैट कर लेंगे। तो देखिए आसानी से हमारा वड़ा तैयार हो गया ना, कितनी जल्दी ये वड़े बन जाते हैं। कभी भी मन करे तो इसको फटाफट बना के हम खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं, तो कभी भी इन्हें खाया जा सकता है। फास्ट में तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप इसका किसी भी कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए मैं एक ओवल शेप आपको बना के दिखा रही हूँ, आप इसको राउंड बना लें, ओवल शेप बना लें, या फिर आप इसको सीधे बॉल के शेप का भी बना सकते हैं। बॉल का शेप थोड़ा सा फ्राई करने में दिक्कत होती है। तो देखिए ये बन के सारे तैयार हो चुके हैं, तो अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने की तरफ। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल को ऑलरेडी मीडियम हीट पे गरम कर लिया है, क्योंकि हमें इसके लिए बहुत कम गरम तेल नहीं चाहिए, नहीं तो वड़े जो है बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाते हैं। तो मीडियम हीट पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने तेल डाला है इसमें, लेकिन डीप फ्राई मैं इसे नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। तो हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसे फ्लिप करके अब दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन ही बना लेंगे। और मैंने जो वो रखा हीट रखी है वो मीडियम ही है, मीडियम में ही हमें इसे फ्राई करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कम में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से फ्लिप करके मैंने इसे गोल्डन ब्राउन सेक लिया है, और ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में, आप देख सकते हैं कितने टेस्टी दिख रहे हैं। आप इन्हें कभी भी ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ, कॉफी के साथ, स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में, कभी भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से तल लूंगी, इसी में अभी तेल अभी बहुत बाकी है, इसी में ये भी हो जाएंगे। तो देखिए जब तक ये तल रहे हैं, मैंने इनको फ्लिप कर लिया था और नीचे तल रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे कितने करारे बने हैं। देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं ना, कितने क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ये बनते हैं। तो देखिए मैंने सारे बड़े इस पे बना के तैयार कर लिए हैं, इसी तरीके से आप भी इसको ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी बहुत आसानी से बन जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।